अनुकंपा नियुक्ति के लिए 4 साल से भटक रहा यातायात विभाग के कर्मचारी का पुत्र आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। पीड़ित परिवार काट रहा है मंत्री व अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर। हताश होकर माँ बेटे ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर से गुहार लगाई, साथ ही जल्द कोई सार्थक निर्णय न लेने पर कलेक्ट्रेट परिसर में परिवार सहित अनशन करने की चेतावनी दी गई। दुर्ग यातायात विभाग में कार्यरत स्वर्गीय बख्शी सिंह की आकस्मिक मौत के बाद उनका पुत्र जगजीत सिंह खुर्सीपार निवासी पिछले 4 वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहा है। जिन्हें राज्य शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें पत्र भी जारी कर दिया है और शहर के विधायक सहित राज्य सचिव व प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगजीत सिंह की अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुशंसा जारी कर दिया है। बावजूद इसके विभागीय अधिकारी स्वर्गीय बख्शी सिंह की ईमानदारी पूर्वक कार्य अवधि को नजरअंदाज कर उनके पुत्र जगजीत सिंह को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा जगजीत सिंह अपनी बूढ़ी माँ का इलाज भी नहीं करवा पा रहा है। इसी कड़ी में अपने पात्र दस्तावेजों के साथ जगजीत सिंह ने दुर्ग जिला कलेक्टर से सोमवार को जनदर्शन में गुहार लगाई और अनुकंपा नियुक्ति जल्द से जल्द प्रदान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी प्रकरण में अगर जल्द ही प्रशासन ने कोई सार्थक निर्णय नहीं लिया तो वे जिला कलेक्ट्रेट के परिसर में अपनी बूढ़ी माता के साथ अंतिम सांस तक अनशन करने को बाध्य होंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को पीड़ित जगजीत सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जो थे वो दुर्ग जिले में पुलिस जिला बल में चालक के पद पर कार्यरत थे। उनका निधन हुए 4 वर्ष हो चुके हैं। उनका आकस्मिक निधन 19/2/18 को हुआ था, जो कि उनकी जगह मेरे को अनुकंपा नियुक्ति शिक्षा कर्मी में दी जानी थी, परंतु जिला कलेक्टर ने मुझसे आवेदन के दौरान चतुर्थ की सहमति लिखित में मांगी, जो कि मैंने उन्हें लिखित में प्रदान की। उन्होंने कहा कि आपके पास GATE, BEd और TET नहीं है तो आप क्लास 4 में ले सकते हो नौकरी, उसकी सहमति लिखित में दो। परंतु उन्होंने 1 साल मुझे घुमाकर ये कह दिया कि यहाँ से आपकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं की जा सकती। उसके बाद सरकार चेंज हो गई, जिसमें सरकार ने ये काम किया और इसमें ये निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इन इन विभागों में पात्रता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति प्रदान कर दी है। ये सहमति प्रदान किए लगभग 1.5 वर्ष बीत चुके हैं। आज दिनांक तक पीड़ित परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं प्रदान की गई है। ये मैं पिछले 3 माह से कलेक्टर महोदय को बता रहा हूँ, लगातार उन्हें चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। उनका कहना है कि मैं आपको यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय में अनियमित रूप से रख सकता हूँ और ये मामला अभी कैबिनेट में जाना है। इसके लिए आला अधिकारी जो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अफसर हैं, वे हमें 1-1.5 साल से सिर्फ झूठे वादे दे रहे हैं, घुमा रहे हैं कि ऐसा करेंगे, फिर इनका अनुमोदन होगा, ये होगा, वो होगा, सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसमें हमें अनुकंपा नियुक्ति तत्काल रूप से प्रदान की जाए। मेरी माताजी जो हैं वे वृद्ध हैं और हम घर में केवल 2 सदस्य हैं और माताजी केवल और केवल औपचारिक तौर पर जीवन व्यतीत कर रही हैं, वे चल फिर पाने में असमर्थ हैं। ये मेरी माताजी वे चल फिर पाने में असमर्थ हैं, तो हम यहाँ पर मन बना के आए हैं और उनकी पेंशन राशि जो पिताजी के स्थान पे उन्हें मिलती है वे मात्र महीने की 1326 रुपये है, जिसमें हमारा घर चला पाना बेहद मुश्किल है। तो हम यहाँ मन बना कर आए हैं कि हम अंतिम सांस तक यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।